वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है, योर लव फॉर कलरिंग हेयर कैन कॉस्ट योर हेल्थ। देखिए, योर मतलब आपका जो लव है, मतलब जो प्यार है, किस चीज़ के लिए? फॉर कलरिंग, तो कलर करने के लिए, मतलब रंग लगाने के लिए या रंगने के लिए जो प्यार है। अब देखिए, कलर किस चीज़ को? हेयर मतलब बालों को। तो ये जो लव है ये क्या कर सकता है? कैन कॉस्ट, ये कॉस्ट कर सकता है आपके हेल्थ को। अब क्या कॉस्ट का एक तो मीनिंग होता है गाइस कीमत, और दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज के लिए हानि उठाना, है ना। हानि उठाने को भी कॉस्ट कहा जाता है, टू मेक यू लूज समथिंग। तो आपका ये जो लॉ है कलर करने का बालों को, ये क्या कर सकता है? कॉस्ट कर सकता है, मतलब कि हानि पहुंचा सकता है किस चीज़ को? योर हेल्थ, मतलब कि आपके स्वास्थ्य को। ये हो गया इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज़। डाइंग हेयर इन वाइब्रेंट कलर्स लाइक ब्लू, रेड एंड ग्रीन इज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ मैनी यूथ्स। देखिए, डाई का मतलब इस कलर लगाना, है ना, या किसी कलर को दूसरे कलर में क्या करना, चेंज करना, उसको डाई कहा जाता है, मतलब कि रंगना। तो डाई करना हेयर को, बालों को, किस चीज़ में? इन वाइब्रेंट कलर्स, तो ऐसे कलर्स में, ऐसे रंगों में जो कि क्या है, वाइब्रेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चमकीला है, स्ट्रांग है, ब्राइट है, ऐसे कलर्स में, लाइक मतलब कि जैसे कि ब्लू हो गया, रेड हो गया एंड ग्रीन हो गया। ये क्या है? इज अ फर्स्ट चॉइस, ये पहली पसंद है किसका? ऑफ मैनी यूथ, तो बहुत सारे युवाओं का, है ना। क्या करना पहली पसंद है? डाई करना, मतलब कि रंग लगाना हेयर को इन वाइब्रेंट कलर्स, मतलब कि चमकीले कलर्स में, जैसे कि ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया। ये पहली पसंद है बहुत सारे यूथ्स का, युवकों का। हावेवर, हावेवर का सेंस होता है कि हालांकि डाइंग योर हेयर इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। लेकिन हालांकि ये जो डाई करने का काम है, मतलब कि रंग लगाने का काम है आपके बालों को, इज नॉट एज सिंपल, ये इतना सिंपल नहीं है, इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स, जितना ये क्या करता है, दिखाई देता है, है ना, वो इतना सिंपल नहीं है। इट शुड बी डन विथ कॉशन, तो इसको किया जाना चाहिए, किसको किया जाना चाहिए? इट किसके लिए लगा है? डाइंग के लिए। तो डाइंग को किया जाना चाहिए विथ कॉशन, तो कॉशन के साथ, कॉशन काम लगी सावधानी, सतर्कता, तो सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, एज क्योंकि इट मे बी हार्म योर हेयर, क्योंकि ये क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है योर हेयर, तो आपके बालों को ये हार्म कर सकता है, मतलब कि नुकसान पहुंचा सकता है। और किस चीज़ को? स्किन, मतलब कि त्वचा को, है ना, मतलब कि जो चमड़ी होती है, स्किन होता है, उसको हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और जो स्काल्प होता है, मतलब कि ये जो बालों के नीचे का जो हिस्सा होता है, उसको स्काल्प कहा जाता है, मतलब कि बोले तो खोपड़ी, तो स्काल्प को क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। एंड बॉडी, और बॉडी को भी क्या कर सकता है? ये हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है ये। दिस मे इंक्लूड एक्सेसिव ड्राइनेस, एलर्जिक रिएक्शन एंड हेयर फॉल। देखिए, दिस मतलब कि ये जो चीज है, मे इंक्लूड, इसमें इंक्लूड हो सकता है, मतलब कि इसमें शामिल हो सकता है। मे का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कि कुछ हो सकता है, तो इसमें इंक्लूड हो सकता है, इसमें शामिल हो सकता है, मतलब कि ये जो हार्म करेगा इसमें शामिल हो सकता है एक्सेसिव ड्राइनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, ड्राइनेस का मतलब कि सूखापन, और एक्सेसिव का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा या अत्यधिक सूखापन भी इसमें शामिल हो सकता है, मतलब कि इस मतलब कि जो हार्म करेगा इसमें ये भी शामिल है। और क्या शामिल है? एलर्जिक रिएक्शन, तो एलर्जिक रिएक्शन शामिल है, एंड हेयर फॉल भी शामिल है, मतलब कि बालों का झड़ना भी इसमें शामिल है इस रिएक्शन में, मतलब कि ये जो हार्म करेगा इसमें। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग तिवारी सेड, इफ यू आर गेटिंग योर हेयर कलर डन फ्रॉम अ गुड सैलन, देन डाइंग योर हेयर कैन बी सेफ, बट इफ यू प्ले विद द नेचुरल टेक्सचर एंड कलर ऑफ योर हेयर, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। देखिए, जो कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट काम लगे त्वचा रोग विशेषज्ञ, और जो कि क्या है, कंसल्टेंट है, जो कि कंसल्ट करते हैं, जो सलाह देते हैं, सलाहकार जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, नाम है उनका डॉक्टर अनुराग तिवारी। इन्होंने क्या किया, सेड कहा, क्या कहा, If you are getting your hair color done, कि अगर आप अपने बालों का कलर करवा रहे हो, यहाँ पे जो get है ये causative verb के रूप में use हुआ है, किसी से कुछ करवाना, तो अगर आप करवा रहे हो getting your hair color done, तो अपने बालों को बालों का कलर करवा रहे हो, कहाँ से, from a good salon, तो एक अच्छे salon से करवा रहे हो, then फिर dyeing your hair, फिर जो dyeing करना है, मतलब कि बालों का रंग लगाना है, dye करना है हेयर का, can be safe, ये सुरक्षित हो सकता है।
बट लेकिन इफ यू प्ले विद द नेचुरल टेक्सचर, लेकिन अगर आप खेलते हो प्ले करते हो किसके साथ, विद द नेचुरल टेक्सचर, तो जो प्राकृतिक या जो स्वाभाविक जो टेक्सचर है, बनावट है एंड और जो कलर है, मतलब कि जो कलर है किस चीज का, ऑफ योर हेयर, आपके बालों का, उसके साथ अगर खेलते हो तो इट विल हैव एन इम्पैक्ट. तो इसका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, मतलब कि इसका प्रभाव होगा या इसका दुष्परिणाम होगा, ऐसा सेंस हो रहा है यहाँ पे. इट कुड बी माइनर, तो ये छोटा भी हो सकता है, लाइक ड्राइनेस, तो सूखापन की तरह छोटा भी हो सकता है. इसका जो इम्पैक्ट है ये लाइक माइनर, माइनर मतलब कि छोटा सा भी हो सकता है, लाइक ड्राइनेस मतलब कि सूखापन, और मेजर और बड़ा भी हो सकता है, लाइक एक्सेसिव ड्राइनेस, क्योंकि बहुत ज्यादा सूखापन इसका इंपैक्ट हो सकता है. यू विल हैव टू टेक द एक्सपेरिमेंट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अब देखिए, यू विल हैव टू टेक, तो आपको लेना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, देखिए पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है एकदम सावधानी से किसी चीज को करना, है ना, उसको लाइक कोई जो अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसको कंप्लीटली ना बिलीव करते हुए, है ना, मतलब उसको लाइक ना नकारते हुए भी, ना उसको कंप्लीटली बिलीव करते हुए, मतलब कि बहुत ही सावधानी से. तो अब लाइक यू विल हैव टू टेक द एक्सपेरिमेंट, तो आपको एक्सपेरिमेंट को लेना होगा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एकदम सावधानी के साथ, है ना, कंप्लीटली बिलीव ना करते हुए. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडियन हेयर कलर्स आर डार्क, टू मेक एनी कलर वाइब्रेंट हेयर ब्लीच इज यूज्ड, विच ऑल्टर्स द पिगमेंट्स दैट गिव इट इट्स कलर. इट अफेक्ट्स हेयर स्ट्रेंथ, मॉइस्चर एंड इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड हीट. देखिए, अकॉर्डिंग टू समवन और समथिंग का मतलब है किसी के अनुसार, तो जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो विशेषज्ञ है, तो विशेषज्ञों के अनुसार क्या, इंडियन हेयर कलर्स आर डार्क, तो भारतीय जो बालों का कलर्स जो कलर होता है, रंग होता है, वो क्या होता है, डार्क होता है, मतलब कि गहरा होता है, काला होता है. अब टू मेक एनी कलर वाइब्रेंट, अब देखिए किसी भी कलर को वाइब्रेंट बनाने के लिए, मतलब कि चमकीला या ब्राइट बनाने के लिए हेयर ब्लीच इज यूज, तो हेयर ब्लीच का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है. तो हेयर ब्लीच इज यूज, तो हेयर ब्लीच का यूज किया जाता है किसी भी कलर को वाइब्रेंट बनाने के लिए. विच ऑल्टर्स द पिगमेंट्स, जो कि क्या कर देता है, अब ये जो हेयर ब्लीच है इसके लिए विच लगा है, तो हेयर ब्लीच क्या कर देता है, ऑल्टर कर देता है. ऑल्टर का मतलब किसी चीज में बदलाव कर देना, बदल देना, है ना, परिवर्तित कर देना, चेंज कर देना. तो ये ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है पिगमेंट्स को. अब ये पिगमेंट्स क्या, पिगमेंट क्या है गाइस, दैट गिव इट इट्स कलर, जो कि देता है इसको, इसका कलर देता है, मतलब कि पिगमेंट कोई सब्सटेंस होगा बॉडी के अंदर जो कि बालों को कलर देता है ना, तो उसको ये जो पिगमेंट्स है इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है हेयर ब्लीच, है ना. इट अफेक्ट्स हेयर स्ट्रेंथ, और साथ ही ये क्या करता है, प्रभावित करता है हेयर के स्ट्रेंथ को, हेयर के मजबूती को क्या करता है, प्रभावित करता है, क्या जो ब्लीच होता है वो, और किस चीज को, मॉइस्चर मतलब कि नमी को क्या करता है, अफेक्ट करता है. एंड इट्स एबिलिटी, और इसके एबिलिटी को मतलब कि इसके क्षमता को, इसके ताकत को, क्या करने का ताकत, टू विदस्टैंड हीट, तो जो गर्मी है उसको विदस्टैंड करने का, विदस्टैंड का मतलब बियर करना, टॉलरेट करना, तो गर्मी को बर्दाश्त करने की एबिलिटी को क्या कर देता है, ये कमजोर कर देता है ना. तो ये जो हेयर ब्लीच है इसको यूज किया जाता है किसी भी कलर को वाइब्रेंट करने के लिए, और ये जो हेयर ब्लीच है ये चेंज कर देता है पिगमेंट को. पिगमेंट क्या है, दैट गिव, जो कि देता है इसको, इसका कलर देता है, और साथ ही ये जो हेयर ब्लीच है ये अफेक्ट करता है बालों की ताकत को, मॉइस्चर में की नमी को, और इसकी जो एबिलिटी है, मतलब जो क्षमता है क्या करने का, विदस्टैंड करने का, बर्दाश्त करने का हीट को, इसको भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है. डॉक्टर अभिजीत राजेश हेल्गे सेड हेयर डाइज कैन कॉज डर्माटाइटिस, स्किन डार्कनिंग एंड प्रोलॉन्ग यूज कैन कॉज टॉक्सिसिटी. देखिए, जो डॉक्टर अभिजीत राजेश हेल्गे है, इन्होंने क्या किया, सेड कहा कि जो हेयर डाइज है, मतलब कि जो बालों का जो जो डाई होता है, कलर होता है, कैन कॉज, ये कॉज कर सकता है, मतलब ये कारण बन सकता है डर्माटाइटिस का. अब ये डर्माटाइटिस क्या है गाइस, ये मेडिकल टर्म है, आई डोंट नो अबाउट इट. तो अब डर्माटाइटिस का ये क्या कर सकता है, कारण बन सकता है, और स्किन डार्कनिंग का काम का कारण बन सकता है, मतलब कि त्वचा के कालेपन का भी ये कारण बन सकता है. एंड प्रोलॉन्ग यूज, और लंबे समय तक जो यूज है, प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय का ये जो यूज है हेयर डाई का, ये क्या कर सकता है, कैन कॉज, ये कारण बन सकता है टॉक्सिसिटी का, मतलब कि विषाक्तता का या जहरीलेपन का भी ये क्या हो सकता है, ये कारण बन सकता है, लाइक यू नो, अगर आप हेयर डाई को लंबे समय तक प्रोलॉन्ग यूज करते हो तो, है ना, ये क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है.
इट कैन इवन कॉज किडनी फेलियर इफ डाइज आर नॉट एक्सक्रीटेड क्रॉनिकली. एलर्जिक रिएक्शंस ऑकर ऑन द स्कल्प फेस एंड हैंड्स ऑफ हेयर डाई यूजर्स. देखिए इट कैन इवन कॉज, तो ये जो है इवन कॉज, ये यहाँ तक कि कारण बन सकता है, कॉज कर सकता है, किडनी फेलियर का कारण बन सकता है. इफ अगर जो डाइज है, मतलब जो जो डाई है, कलर है, आर नॉट एक्सक्रीटेड, उसको अगर एक्सक्रीट नहीं किया जाता. एक्सक्रीट का मतलब होता है गाइस किसी चीज का लाइक किसी चीज से गेट रिड ऑफ होना है ना, किसी चीज से छुटकारा पाना है. वैसे तो एक्सक्रीट का यूज किया जाता है मल को त्याग करने के लिए, तो यहाँ पे गेट रिड ऑफ समथिंग का सेंस हो रहा है. तो ये यहाँ तक कि किडनी फेलियर का भी कारण हो सकता है अगर डाइज को, मतलब जो जो कलर होता है उसको एक्सक्रीट नहीं किया जाता, मतलब उसको वो निकलता नहीं क्रॉनिकली, मतलब लंबे समय तक, तो ये किडनी फेलियर का भी कारण बन सकता है. एलर्जिक रिएक्शन ऑकर, अब जो एलर्जिक रिएक्शन है ये ऑकर, मतलब ये होते हैं, ऑकर का मतलब घटित होना. तो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ऑन द स्कैल्प, तो खोपड़ी पर, फेस में कि चेहरे पर, एंड हैंड्स और हाथों पर. हाथ किसका? ऑफ हेयर डाई यूजर, तो हेयर डाई यूज करने वालों के हाथों पर एलर्जिक रिएक्शन होता है. हेयर ड्रेसर्स आर ऑल्सो एट इंक्रीज रिस्क, और जो हेयर ड्रेसर है, मतलब जो हेयर को ड्रेस करते हैं, मतलब जो जो नाई होते हैं, आर ऑल्सो, वो भी क्या होते हैं, एट इंक्रीज रिस्क, तो बहुत ज़्यादा खतरे पे होते हैं, मतलब कि उन लोगों को भी खतरा होता है. इन द वर्स्ट केस, अब देखिए मतलब कि बहुत ही बुरे केस में, मतलब कि बहुत ही देखिए वर्स्ट का मतलब बैड, बैड से भी बहुत बुरा, तो वर्स्ट केसेस में, मतलब कि बहुत ही खराब केसेस में, इट इंक्रीजेस, ये क्या कर सकता है, इंक्रीज कर देता है द रिस्क, जो रिस्क होता है किस चीज का, ब्लैडर कैंसर. तो जो ब्लैडर कैंसर होता है, ब्लैडर का मतलब जो पेशाब थली होती है, थैली होती है, उसको ब्लैडर कहा जाता है. तो ये बढ़ा सकता है रिस्क को, ब्लैडर को, सॉरी ब्लैडर कैंसर का भी लाइक ये कारण बन सकता है, एंड थायराइड डिसफंक्शन का भी कारण बन सकता है ना. तो बुरे से बुरे केसेस में ये क्या कर सकता है, ये बढ़ा देता है रिस्क को, ब्लैडर कैंसर का और थायराइड डिसफंक्शन को बढ़ा देता है, इसके रिस्क को बढ़ा देता है ये. सो दिस इज द न्यूज़ गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड. और ये जो आर्टिकल था ये मेडिकल टर्म पे बेस्ड था, तो हो सकता है कि मेरे से गलती हुई होगी, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.